नमस्कार, YouTube चैनल में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हर बार की तरह आपके सामने इस बार एक बिल्कुल नई शख्सियत आपके सामने है, जो महेश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने अभी हाल में पूरे हिंदुस्तान में विजयवर्गीय महासभा का चुनाव जीतकर आप अध्यक्ष बने। तो आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत नजर दिल्ली YouTube चैनल की तरफ से, आपका बहुत बहुत बधाई। तो यहीं से शुरू करते हैं कि आज आपने जो चुनाव जीता जी, पूरे हिंदुस्तान का एक गौरव भी कहते हैं ये अपने आप में, चुनाव पूरे हिंदुस्तान का चुनाव जीतना अपने आप में गौरवमयी बात, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो सर, चुनाव जीतकर जनमत प्राप्त करना अपने आप में एक खुशी की और गौरव की बात है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे समाज बंधुओं ने मुझ पर विश्वास किया, जिस तरह का जनादेश दिया, जिस परसेंटेज में दिया, देश में 90% से ऊपर लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे समाज सेवा का एक प्रमुख के नाते जो अवसर मिला, ये सामान्यतया जीवन के लिए एक अभूतपूर्व होता है, यादगार होता है। मैं उसका मान और सम्मान बढ़ाते हुए बनाए रखूंगा। आपको 90% के करीब जैसे पता चला मुझे भी कि 90% लोगों ने वोट किया, तो ये तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि। तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की? आपने पहले से कुछ तैयारी की या आपको समाज के जो दोनों दृष्टिकोण रहे? पिछले 40 वर्षों से जो मेरी समाज में सेवाएं रही वो मेरी पहचान रही जी। और अभी भी मैंने चुनाव कैंपेन में देश के विभिन्न स्थानों पर, गांवों में, नगरों में, महानगरों में, जहां जहां भी हमारा विजयवर्गीय समाज रहता था, वहां जाकर मैंने मीटिंग्स की, अपनी बात लोगों तक रखी। मेरे विचारों से लोगों की सहमति बनी, शायद ये उसी का परिणाम है कि 90% से ज्यादा मत मुझे मिले। अभी आप कोटा के मेयर भी रहे पहले जी, तो जैसे आपने मेयर के चुनाव और समाज के चुनाव, इसमें सबसे बड़ा अंतर आपने क्या देखा, क्या लगा आपको? समाज में प्यार ज्यादा मिलता है, राजनीति में दोस्ताना रहता है वो बात अलग है, पर समाज में पारिवारिकता का जो माहौल रहता है उस नाते से समाज छूटता नहीं। हालांकि समाज में काम करके आदमी अपना डीजल जलाता है, समय खर्च करता है, किराया पैसा खर्च करता है, राजनीति में रहता है तो एक रुतबा, पद और आगे बढ़ने का कुछ विषय रहता है, पर इन सबको पूर्ता कर देता है जब समाज के लोगों से प्यार मिलता है एक परिवार की तरह, तो वो अपने आप में उसकी कीमत एक अलग अलग है। तो जैसे आपने जब राजनीतिक रूप से यात्राएं की, लोगों के बीच में भी गए, जब आप में रहेंगे तब भी लोगों के बीच में गए, अब भी लोगों के बीच में गए, तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों के का, वो क्या महसूस किया आपने? मुझे दोनों जगह का तालमेल होने से मुझे मेरे व्यक्तित्व को लोगों की श्रद्धा और प्यार पाने में ज्यादा लाभ मिला। समाज में मुझे ये गौरवान्वित पद मिला तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरी पेट बढ़ी, और राजनीतिक क्षेत्र में रहने से समाज के लोगों में भी मेरी पेट रही कि मैं समाज के लिए कुछ ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। माननीय ओम जी बिरला हमारे बहुत पारिवारिक, और पिछले 2003 के इलेक्शन से उनके लिए हमने काम किया, उसके पूर्व भी बीजेपी में चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल जो भी रहे हैं, उन सबके लिए काम किया। तो लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि राजनीति से जुड़े हैं तो आज की स्थिति आपके सामने है कि कहीं कहीं समाज को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, समाज के लोगों के क्या काम करवा सकते हैं, इसलिए समाज के स्तर पर ये लाभ मिला। और राजनीतिक दृष्टि से ये लाभ मिला कि यार समाज के सारे लोग इनके साथ हैं, इनके साथ, तो दोनों के तालमेल से नुकसान नहीं, बहुत फायदा है। तो जैसे आप लोगों से मिलते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो जैसे आपने वो भी बात करके खुद ही की है कि बड़ा अच्छा लोगों का भी लगा कि आप हमारे साथ काम ज्यादा अच्छे स्तर पर हो सकते हैं, तो उनमें क्या आपने महसूस किया कि उनको क्या दिक्कतों का, जैसे समाज में आप गए तो अभी तक सामाजिक लोगों को क्या दिक्कतों का आपने महसूस किया, सामना करना पड़ता है? सिर्फ समाज का लोग चाहते हैं समाज संगठित रहे और हम आपस में मिले, खुशियां बांटे, क्योंकि जब लोग मिलते हैं तो चेहरे पर प्रसन्नता खिलती है। हम लोग 5 साल में एक बार अधिवेशन करते हैं, पिछले वर्षों में नहीं हो पाया, हमने बनने के साथ ही निर्णय लिया है कि अतिशीघ्र ऐसा, इसको हम जाति का महाकुंभ बोलते हैं,
देश भर के लोग आते हैं, तो ये पर्चे प्राप्त होना, क्योंकि आजकल शादी ब्याह में भी न तो सबको बुलाया जा सकता न संभव, ऐसी स्थितियों में समाज के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से जाए, पर्चे बढ़े, लोग खर्च करने से नहीं करते, विषय है कि अरेंज करना। तो महासभा के अध्यक्ष के नाते मैं ये अरेंज करूंगा कि सब प्रदेश के लोग आपस में मिले, एक दूसरे का दुख दर्द जाने, एक दूसरे का सहयोगी बने, समाज के आय के क्षेत्र बढ़े, समाज के युवाओं को हम कहां मदद कर सकते हैं। अनेक लोग ऐसे विभिन्न पदों पर है पर उन तक हर आदमी की पहुंच नहीं होती, तो बतौर अध्यक्ष पदाधिकारी हम लोग ये अप्रोच करेंगे कि क्या रोजगार में जाएं, किस तरह की ट्रेनिंग वो लें, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसको गाइडलाइन कहां से मिले व्यक्ति नहीं जान पाता। तो आपका जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेगा लोगों के रोजगार, जैसे आपने बताया समाज के लोगों के, समाज को मजबूत करने के लिए कुछ विजन के हमने बहुत छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण बिंदु लिए। वही पॉइंट्स अभी हमने डिक्लेयर किया है कि सभी हमारी स्थानीय इकाइयां, हमारी तीन चैनल है, महासभा, फिर प्रादेशिक सभा और फिर नगर की स्थानीय सभा, सभी स्थानीय सभाओं से आग्रह कर रहे हैं कि अपने यहां जब भी जिस घर में भी बालिका का जन्म हो, कम से कम 5100 रुपए की एफडी 20 साल के लिए समाज करवा के दे। इससे लक्ष्मी पूजन भी होगा, बालिका प्रोत्साहन भी होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि समाज में जो लोग कहते हैं कि तब समाज बिखर रहा है, लोग जुड़ते नहीं, समाज में जोड़ने के लिए घरों पर समाज की चर्चा तो हो, चर्चा हो, 20 साल तक वो एफडी उस परिवार को समाज की याद दिलाएगी। वो लड़की शादियों के दूसरे जगह जाएगी तो भी उस चीज को नहीं भूल पाएगी, और दूसरे घर को भी समाज से जोड़ने की कोशिश करेगी, उस लड़की से होने वाली संतान है वो भी समाज के प्रति नतमस्तक रहेगी। तो ऐसे छोटे छोटे विषय हम लेंगे, भगवान की दया से आज हमारा समाज आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बना है, फिर भी कुछ परसेंट ऐसे हैं जहां कीचड़ में कमल खिले हुए। उन विद्यार्थियों में जो टॉपर्स हैं, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आईआईटीएम में, मेडिकल में, बाद में लोन मिल जाता है, पर पहली किस्त में बड़ी दिक्कत आती है, समाज के पदाधिकारी उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करें, क्योंकि अध्यक्ष बनके या प्रदेश अध्यक्ष बनके या पदाधिकारी बनके माला पहने स्वागत सम्मान लेवे, पर साथ ही साथ जो सेवा के लिए हमें चुना गया है ये जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। वो व्यक्ति जिसकी आवश्यकता है उसको मांगने पर कितना मिलता है, आज की तारीख में आप जानते हैं कि शक्ल देख के तिलक किया जाए, शक्ल देख के पदाधिकारी जाए, तो जो दे सकते हैं वो देने के लिए मना नहीं कर रहा, पर उनके पास विषय उस अप्रोच से पहुंचे। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है विषय उस अप्रोच से पहुंचे तो वो देने के लिए खुश है, वो लेने कर अपना काम पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे विषय हम लोग रखेंगे जिनसे समाज की एकता भी बने, समाज के प्रति जुड़ाव भी बने, और साथ ही साथ लोगों का काम भी। काम तो जैसे आज मैंने एक चीज देखी, बहुत लोगों से मिलते हैं, समाज के लोगों से मिले जी, कि खासतौर से युवा वर्ग जो है समाज के साथ अक्सर कटा जाता है, वो कहते हैं मुझे क्या फायदा है। तो जैसे कि आपने ये फायदा दिया कि ना ही उनके एजुकेशन आप सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा आपने युवा क्यों जुड़े समाज के साथ, क्या ऐसी खास बात हम समाज के लोग करते हैं? ये अपने विजन में हम इस बात को लेंगे कि युवाओं के लिए कार्यक्रम हो, उन्हें मजा आए, क्योंकि केवल भाषण दे लेने से युवा बोर हो जाते। ये आपने अपील कर दी, अगर अपील से समाज सक्रिय हो जाए तो फिर तो मोदी जी रोज टीवी पर अपील दे दे। इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें गांव-गांव शहर-शहर जाकर करना, हम लोग युवाओं के बीच में जाकर बात करेंगे, उन्हें हमारी कार्यकारिणी में जोड़ेंगे, पदाधिकारी बनाएंगे, जिम्मेदारियां देंगे। जब वो जिम्मेदारी से काम करेगा, एक युवा को जिम्मेदारी दी तो अपराध 10 लोगों को लेकर काम करेगा। अभी तक क्या होता है कि सीनियर पर्सन उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो पैसा दे सकते हैं, बात इकोनॉमिक लेंगे। कोई युवा पैसा भले ही नहीं दे सकता, परंतु वो भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से जो दौड़ भाग कर सकता है और युवाओं को अपने बराबर वाले लोगों को जोड़ सकता है, उसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। हमने गेम्स स्कूल का कार्यक्रम शुरू किया है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, 3 दिन साथ रहते हैं,
तो लगता है कि यार ये मेरे समाज के लोग, जब आपस में मिलते हैं, जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर विषय कैसे बने। साथ ही युवाओं की क्या आवश्यकता होती है, हमने कोशिश की, मैंने घोषणा भी की, साल में एक बार सेमिनार हो। व्यक्ति अपना आगे का भविष्य चुनना चाहता है, उसको गाइडलाइन मिले, और समाज के कौन व्यक्ति है जो फोन पर भी उसको राय दे सकते हैं, ऐसी एक टीम क्रिएट करें, टीम क्रिएट करेंगे और उसके फोन नंबर से एक निर्देशिका प्रकाशित करेंगे कि भाई आपको पत्थर व्यवसाय करना है तो इस विषय में आप उनसे जानकारी लो, देने वाले को मजा आएगा, मेरे समाज में कोई मुझसे पूछ रहा है, लिस्ट ऑफ एक्सपर्टीज, तो जिसको डॉक्टर बनना है, जैसे हमारे समाज में आईएएस है, अब कोई नया बालक आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो प्राथमिक रूप से वो अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करे, सबसे केवल यह कि मैं पढ़ना चाहता हूं, पर आदमी उसके संसाधन या उसकी मानसिकता है या उसकी कार्य प्रणाली, उसको कितना एकांत चाहिए, घर वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, मैंने देखा है। मैं एक शिक्षक के रूप में भी हूं, इसलिए 45 वर्षों से शिक्षक रहा हूं, एक विद्यार्थी को जिस तरह का माहौल अगर मिल जाए तो वो सफल होने में पीछे नहीं रहे। तो ये हमारे युवाओं के लिए भी रखेंगे ताकि वो रोजगार के लिए भी, सर्विस के लिए भी, किसी जॉब में जाना चाहता है तो उसके लिए, आजकल मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा, मोदी के शासन में काम की कमी नहीं है, केवल आपको चुनना है और उस पर किस एकाग्रता से आप आगे बढ़े तो सफल। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि समाज में जो महिलाओं की भूमिका होती है जी, तो बात बड़ी बड़ी होती है समाज में कि महिलाओं के लिए हम करेंगे, पर महिलाओं का जो कार्यक्रम रह जाता है वो सरस्वती पूजन रह जाता है, चौक पूर्ण रह जाता है, इसके अलावा महिलाओं का कोई खास, तो आपने ऐसा क्या कुछ विजन लिया महिलाओं के लिए कि वो भी कुछ इसके अलावा आगे आए, क्योंकि चौक पूर्ण और महिलाओं के लिए गीत संगीत कर दिया दर्शित, तो उनके उत्थान के लिए सब आपने, जैसे अध्यक्ष के लिए तो आपने कुछ विजन बनाया होगा। वैसे तो हमारे समाज में एक पैरेलल तो नहीं कह सकते, पर फिर भी अखिल भारतीय स्तर पर महिला संगठन हमने लिया हुआ है जी, और एक महासभा की कार्यकारिणी में पदेन रूप से महिला उपाध्यक्ष होती है, जो महिला संगठन को साथ जोड़ते हुए काम करती है, पर आज की तारीख में मुझे गर्व है कि विजय की समाज की महिला शक्ति काफी आगे है, अभी चुनाव में भी पूर्ण सक्रिय रही, और सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे जयंती पर्व हो, मीरा जयंती हो, रामचंद्र जी महाराज की जयंती हो, डांडा कार्यक्रम हो, समय समय पर जो धार्मिक आयोजन होते हैं महिलाओं के, गणगौर, कुछ हमारे यहाँ एक गाय विसारस होती है, कुछ गोरनिया करना होता है, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से वो लोग करती हैं, जिनसे महिला शक्ति अपने आप में एक दूसरे को देखकर मजबूती महसूस करती है, और उनको भी हम विकास की इस धारा से जोड़ते हैं, बच्चों के सांस्कृतिक शिविर लगाते हैं तो महिला संगठन के माध्यम से लगाते हैं, क्योंकि माताएं है, बच्चों को और ढंग से समाज, वो समाज दी भी वही है तो समझा भी हो सकते। अच्छा, जिससे कि आपने शिक्षक की भूमिका भी रही और आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी है कोटा के अंदर, कोटा में आपका, तो कोटा में एक चीज और मैंने देखी है कि बहुत से बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, तो कोटा में ऐसा क्या हो गया कि मतलब बच्चों को ऐसी नौबत पे आना पड़ रहा है या ऐसी स्थिति उनके साथ क्रिएट हो गई, देखिए बड़ा ज्वलंत विषय है पूरे हिन्दुस्तान के लिए। सर ये ठीक इस तरह का विषय है कि आपने कभी कभी सुना होगा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का व्रत निकलता है, लाखों की संख्या में लोग होते हैं और दुर्भाग्यवश कभी कोई धक्का लगता है और अनेक लोग गिर जाते हैं, दो चार लोग कुछ ले जाते हैं, कोटा एक अपेक्षा का केंद्र हो गया। एग्जैक्टली, मां बाप भी ये सोचता है कि मेरा बेटा कोटा गया तो कुछ बन के आएगा, अब धीरे धीरे मां बाप को यह समझाने की आवश्यकता है कि बेटे तू प्रयास करने जा, प्रयास करो, बन गया तो ठीक, नहीं तो अपने पास 10 काम है यार। हम बच्चे को मस्ती के मूड में उस चीज को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजते जिसके लिए भेज रहे हैं, हम उसको टारगेट बनाकर और मानसिक दबाव के साथ भेजते हैं, बच्चा लाखों रुपए खर्च होते देखता है मां बाप के, ऐसे में जब वो निराशा घेरती है तो वो सोचता है कि यार मैं मां बाप की अपेक्षा, तो अनेक बार बच्चे मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर पा लेते, इसके लिए दवा कम मां बाप का दुआ ज्यादा कारगर होगी कि मां बाप उसको मस्ती के मूड में काम करने भेजे, काम भी करेगा परंतु उस तनाव के, आपने देखा होगा कि
मुझे एक बार बहुत अच्छे क्रिकेटर ने राय दी थी कि खेलने जाओ तब ये मत सोचो कि यार मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा। अगर आपके दिमाग में ये हो गया तो आधी पावर तो आपकी वो खा जाएगा। बिल्कुल ये हमारे बच्चों के साथ होगा कि बच्चा पहले से टारगेट लेके आया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं बना तो क्या होगा, तो उसकी पावर वो डिप्रेशन में आ जाता। कोटा में इतना अच्छा माहौल, हॉस्टल वाले, कोचिंग वाले, घरों पर रहने वाले पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत अच्छा माहौल देते हैं, परंतु ये त्रासदी मानसिक बीमारी के रूप में बच्चों को सिख करती है और वो ये दुर्घटना कर बैठती है। तो इससे आपने इसके लिए क्या कुछ सोचा है कि क्या उपाय होना चाहिए? जैसे आपने तो आपने बताया कि पेरेंट्स ही बच्चों को ऐसा तैयार करके भेजें, इसके अलावा क्या खास हो सकता है? सर इसके अलावा तो हमारे कोचिंग के लोग भी और लोग एजुकेशन से जुड़े सभी लोग एडमिशन के साथ ही बच्चे और पेरेंट्स दोनों को अभी गाइडलाइन देने लगे कि आपने बच्चे को भेजा है पढ़ने के लिए, आप पहले से फिक्स मत करो कि इसका जीवन डॉक्टर ही बनना है, आप ज्योतिषी नहीं, आप प्रयास के लिए भेज रहे हो, बच्चे को मस्ती के मूड में रखें। कोचिंग्स में भी अब वो टेस्ट लेकर वरीयता छांटना इसको कम किया, क्योंकि बच्चा उसमें अपने आप को ईल फील करने लगता है कि भी मैं कुछ कर, बच्चा पढ़े जैसे सब पढ़ रहे हैं और एंजॉय के रूप में इसको ले, वर्क उतना ही होगा, वो तनाव लेके करे या एंजॉय के रूप में करे, बल्कि एंजॉय के रूप में अगर वो पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ ज्यादा सफल होने के चांसेस। तो अभी जैसे महेश जी बात हो रखती है कि जैसे अब आप कोटा के मेयर भी रहे, अब आपने समाज के नाम, तो भविष्य में क्या दिखे, विधायक के रूप में देखे या सांसद के रूप में महेश जी को मिलने वाले हैं फ्यूचर में? सर पिछले 45 वर्षों से, मतलब जब से मैंने 1982 में पीजी किया उसके बाद से अपना काम शुरू किया, और मैं तो पक्के हिंदुस्तानी के रूप में देखता हूं कि आप कितना भी सोच लो मुकद्दर को जहां ले जाना है वो ले जाएगा। मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी 1980, ग्रामीण में पोस्टिंग था, मैं नहीं गया। अच्छा चल जाता तो मेरे जो साथी मित्र सेकंड ग्रेड से रिटायर्ड हुए, मैं भी रिटायरमेंट नहीं गया। फिर मेरे को लगा कि मुझे अपना कुछ आगे करना चाहिए, क्योंकि मन में माता शिक्षिका थी तो मन में टीचिंग के लिए एक भाव था। पर मैंने देखा कि गवर्नमेंट में रह के आदमी अपनी आग नहीं बुझा सकता, वो कितना भी चाहे उसको वैसा न तो माहौल मिलता न कोई उसको करने देता। दलिया बनाओ, बच्चों को खिलाओ तो आप सस्पेंड नहीं होगे, आप नहीं पढ़ाओ तो कोई बात नहीं। तो हमने अपना व्यवसाय शुरू किया, इसको व्यवसाय के रूप में लिया और दिन रात बच्चों के साथ मेहनत की थी। मैंने कोटा राजस्थान में मेरे संस्थान को मेरिट मशीन के नाम से विख्यात किए। 17 सालों तक बोर्ड परीक्षाओं में मेरे विद्यार्थी मेरिट मिले, बहुत बधाई। उसके बाद फिर बोर्ड ने मेरिट खत्म कर दी, फिर हमें लगा कि रुझान राजस्थान बोर्ड से बदल रहा है तो हम CBSE की तरफ आए, कॉलेज की तरफ आए, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मतलब पूरा जीवन हमने एजुकेशन में लगाया। साथ साथ ही चूंकि एजुकेशन में हमारी स्ट्रेंथ थी, संपर्क था, तो राजनीति में भी हमारा मान बढ़ता चला गया, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। माननीय ओम जी बिरला ने कहा कि यार बच्चे बड़े हो गए, आपको ये जब सांसद बने तो MLA की सीट खाली हुई, तो उन्होंने कहा MLA का चुनाव लड़ना, मैंने लड़ लेंगे यार। घर पे कहा तो पत्नी वगैरह ने कहा कि इच्छा वगैरह कमा लेगा, चेंज हो गया। और आजकल राजनीति में है सब, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल है तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे आते रहना। तो ऐसा नहीं, पर फिर भी किन्हीं कारणों से राजनीति में आप जानते हो कि बिल्कुल नेट थे, मतलब 24 घंटे पहले मुझे पूछा गया कि आप उस जाति समीकरण से उसको कांग्रेस दे रही है, तो मैंने मुझे कोई बुरा नहीं लगे। चूंकि बिरला जी को मेरे लिए कुछ था या मुझे कुछ देखते थे, फिर मेयर का चुनाव करा दिया, मेयर बना दिए, पूरी ईमानदारी और शिद्दत से किया। आगे भी जिम्मेदारी के चांसेस हैं, हो सकता है कि मैंने आज का अखबार नहीं देखा, कल कार्यकारिणी की राजस्थान की मीटिंग थी तो रात ही बिरला जी के शादी में था तो चर्चा में था कि भाई कुछ फाइनल होगा तो रात को होगा,
वरना फिर एक दो महीने की गई, तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको करेंगे सर, क्योंकि वर्क करते हैं तो फिर ज्यादा वर्क से नहीं करते, जो कुछ नहीं करते उनको वर्क करने में तकलीफ होती है, जो 14 घंटे करते हैं तो 16 घंटे कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे देव से मोदी जी आए जी 10 साल में, तो आपने चूंकि राजनीतिक जीवन भी आपका काफी लंबा रहा जी, तो उस टाइम में के बाद से इस 10 साल में बच्चों के लिए या राजनीति के लिए क्या खास बदलाव आपने महसूस किया है? क्योंकि अभी तो 10 साल 15 साल अभी मोदी जी रहने वाले हैं एक हिसाब से, क्योंकि भाजपा का शासन तो रहने वाला ही है। सर, बच्चों के लिए तो इतना बड़ा बदलाव महसूस किया कि जिसमें मैं एक शिक्षक के नाते गर्व और घमंड कर सकता हूं। ओके, मैंने मेरे विद्यार्थियों को कहते हुए देखा है कि जैसे ही उन्होंने IIT की उनका वर्डिंग सुन के दुम होता था, अरे साहब इस देश में क्या रखा। ओके, इस देश में पढ़े, इस देश में बड़े हुए, इस देश में तुमने IIT की ट्रेनिंग ली और आज योग्य होते ही इस बात को जब वो बोलते थे ऐसा लगता था दिल में थोड़ा लगा, इस देश में क्या रखा। आज मुझे इस बात का गर्व है कि अनेक विद्यार्थी जो बाहर गए वो वापस स्वदेश लौटे हैं और वो ये फील करने लगे कि इस देश में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ये मोदी है। इस एक लाइन में मैं ये बता सकता हूं कि युवाओं में जो बदलाव आया वो काबिले तारीफ है कि उन्हें ये महसूस होने लगा कि इस देश में भी कुछ है। और आज देखिएगा छोटे छोटे NGO के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से देश में छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है। ये मोदी की देन थी, लोग बड़े आरोप लगाते हैं और मैं इस बात के लिए गौरवान्वित होता हूं कि कोई बड़ा बनेगा तो 500 लोगों को रोजगार देगा, 5000 को रोजगार देगा। बिल्कुल बिल्कुल देगा। अगर आप ये चाहोगे सब में बराबर बराबर बांट दो तो रोज की कमाई सब में बराबर बटेगी तो काम कौन करेगा, काम कौन करेगा। लोग बढ़े, मैं समाज में भी इस बात की अपेक्षा रखता हूं कि समाज के लोग जो संपन्न होंगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी की तो अंगली पकड़ के आगे बढ़ाए न चलिए। आदमी सारा कुछ खुद के लिए नहीं खाता, रोटी के बाद जो भी है आप ये मान के चलिएगा 10%, 20%, 25% वो समाज और राष्ट्र के लिए जरूर जाता है, किसी भाव से जाए, किसी भाव से। तो मोदी के आने के बाद युवाओं की, मातृशक्ति की, और विशेषकर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, हिंदुस्तानी अपने आप को मानता हूं, तो इस देश के हिंदुओं की भी ताकत बढ़ी है, ताकत बढ़ी है कि लोग हमें जिस नजरे से देखने लगे थे, जो भय हमारे अंदर पैदा हो गया था कि आगामी 25 साल बाद क्या होगा, मतलब 2047 की जो लोग बातें सुनाने लगे थे कि गजाए हिंदुस्तान लागू हो जाएगा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि देश में एक देव दुर्लभ व्यक्ति है हमें दिया, जो लोग समझ रहे हैं वो लौट रहे हैं और मोदी को मजबूत कर। अंत में समाज के लिए आपका कोई खास संदेश, सब युवाओं, महिलाओं, समाज के पदाधिकारियों के लिए कोई विशेष संदेश के रूप में? मैं बुजुर्ग की समाज के सभी बंधुओं से, मातृशक्ति से, युवाओं से सादर निवेदन करता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है मैं उसे अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सबका सहयोग, जिस तरह से चुनाव में मुझे मिला उसी तरह का सहयोग मेरी कार्यशैली को, मेरे कार्यों को मिले। एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा, समाज एक बड़ा देवता है, उसका जब कोई काम हो उसमें अपने मन के ईगो को अगर कहीं के कोई कमी भी मिलती है तो ईगो को पनप न दे। व्यक्तिगत रूप से महेश विजय से ईगो पालें, पर महेश विजय जब सामाजिक कार्य कर रहा हो तो उसमें कोई ईगो न पालें, उसमें केवल सहयोग दें। वो आप महेश विजय को सहयोग नहीं देंगे, वो आप समाज देवता को सहयोग देंगे और उसके आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से कहीं कहीं मिलेंगे। मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये महेश विजयवर्गीय जी थे जिन्होंने 7 बातों का बड़ी विभागीय से जवाब दिया और अब इनका आगामी शपथ ग्रहण समारोह भी है जी, तो उसमें भी सब लोग मुझे लगता है सब पहुंचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मेरी बात को समय का सुनाने का अवसर दिया। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और आगे भेजते रहिए। धन्यवाद।